अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़ान और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप देख रहे हैं सी टेक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली वाकई आ रही है, आ गई है सॉरी, और ये तब्दीली दूसरी दफ़ा आई है और ये तब्दीली है होंडा की तरफ से। जैसे ही होंडा ने अपनी बाइक में तब्दीली लाना शुरू की, वैसे ही बिल्कुल सेम आप कह लें जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी ना अपने जो एड्स वगैरह थे उसके बीच में लिखना शुरू कर दी थी हमने ये तब्दीलियाँ की हैं। यूनाइटेड की बात कर लें और ब्रांड्स की बात कर लें, उन्होंने स्पेशली अपने जो लॉन्च इवेंट्स हैं वो भी होंडा की तरह करने स्टार्ट कर दिए, वो इस तरह के कुछ मामलात हुए। तो क्योंकि जो कंपनियां हैं वो तो देखती हैं सिर्फ होंडा को, उनका पता नहीं खुद कुछ सोचती नहीं, हालांकि उनको चाहिए कि यार कोई ऐसी चीज़ करें जो होंडा कॉपी करे, लेकिन वो होंडा को कॉपी करते हैं एक्चुअली। तो क्या हुआ था जी, होंडा सिटी 70 का जब ऐसे 2022 मॉडल आया उसमें हमें 101 तब्दीलियाँ देखने को मिली। तो कुछ लोगों के मुताबिक तो एक तब्दीली भी नहीं थी और कुछ लोग कहते थे कि वाकई जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूव किया गया है। अगर मैं आपको अपनी ओपिनियंस दूँ तो फ्रेंड्स, 101 जो तब्दीलियाँ हैं ना उसमें से मैं 101 तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो टोटल चेंजिंग्स थी ना उससे जो बाइक की परफॉर्मेंस है ना वो डेफिनेटली बेहतर हुई है। उसकी परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल कोई थोड़ी सी किसी चीज़ की वजह से हमें मज़ीद कंफर्ट देखने को मिला है, किसी की वजह से हमें मज़ीद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर मिली है, किसी की चीज़ की वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी है उसमें इम्प्रूव देखने को मिला है। लेकिन बहरहाल जो भी है, ओवरऑल जो 101 तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से 101, मैं आपको फिर कह रहा हूँ अगर हम पॉइंट्स गिने तो 101 बनती है, लेकिन वैसे ओवरऑल चंद एक चेंजिंग्स ही हैं। तो ये है कि 101 तब्दीलियों को जोड़ के मसलन 5-6 चीज़ों की इम्प्रूवमेंट बनती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। होंडा ने अपनी जो होंडा सिटी 70 है उसको इम्प्रूव किया है। लोग तब्दीली चाहते हैं कि बाइक के इशारे चेंज कर दीजिए, हेडलाइट चेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फ्रेंड्स, उससे सिर्फ और सिर्फ शक्ल बदलेगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना वो फिर कहेंगे कि वही पुरानी होंडा सिटी 70 के सिर्फ इशारे चेंज कर दिए हैं या सिर्फ वही सिटी 70 के सिर्फ ये चीज़ चेंज कर दी है। तो खैर, बात करते हैं जो आज हमारी वीडियो है उसके रिलेटेड। तो वीडियो है हमारी होंडा सीजी 125 के रिलेटेड। होंडा सीजी जो 125 है उसमें भी हमें 101 नहीं बल्कि 55 तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। मतलब जो होंडा सीजी 125 का 2022 मॉडल है उसमें हमें 55 चेंजेस देखने को मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो होंडा सीजी 125 है उसकी पिक्चर्स में आपको दिखा देता हूँ, उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं जो 2022 मॉडल है। उसकी जो लुक है वो मुझे पर्सनली, अगर मैं इस वक्त आपको बात करूँ, मुझे अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, लेकिन हम लाइव देखेंगे तब ज़्यादा पता लगेगा। अगर बात करें होंडा सीजी 125 2022 मॉडल का, जो रेड कलर है उसका जो फ्यूल टैंक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन अगर साइड कवर्स की बात करें तो उसके ग्राफिक्स मुझे कुछ खास नहीं लग रहे, बाकी देखेंगे तो फिर क्लियरली पता चलेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसके जो ग्राफिक्स हैं वो किस तरह के लगे हैं। तो इसके अलावा जो होंडा सीजी 125 है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक न्यूज़ अपलोड की थी, मैंने आपको बताया था कि होंडा सीजी 125 2022 और जो होंडा सीजी 125 सेल्फ स्टार्ट है उसका 2022 मॉडल ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। तो जो होंडा सीजी 125 सेल्फ स्टार्ट है वो भी मुझे इस दफ़ा पहले से थोड़ा सा पसंद आया, थोड़ा सा मुराद ये कि पहले बिल्कुल ही सिंपल एक उन्होंने पट्टी लगाई हुई थी और पट्टी भी ठीक लगती थी, मतलब सिंपल लगती थी, बिल्कुल सिंपल, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ज़रा सीजी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किस्म का करने की कोशिश की है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो इसी तरह की तब्दीलियाँ आती ही रहती हैं और क्या करें कंपनीज़। तो खैर, उसकी भी आप पिक्चर देख सकते हैं जो होंडा सीजी 125 सेल्फ स्टार्ट है। तो इसके बाद आप चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ जो कि हैं होंडा सीजी 125 की 55 तब्दीलियाँ। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है जस्ट मैं आपको काउंट करवाऊंगा कि जो होंडा क्लेम करता है, होंडा क्लेम करता है, मैं दोबारा आपको रिपीट करके कह रहा हूँ, जो होंडा क्लेम करता है, मैं नहीं, होंडा, ठीक है, कि ये तब्दीलियाँ हम अपनी बाइक में लेकर आए हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको तब्दीलियाँ पसंद नहीं आती तो काइंडली होंडा को जो मर्जी कहें, मुझे कुछ ना कहना, मसलन मुझे कुछ ना कहना, समझा दे कि वीडियो को डिसलाइक ना करना, कमेंट मुझे ना कुछ कीजिएगा कि यार कोई तब्दीली नहीं आई, होंडा फारग है, या मेरे रिलेटेड कोई बात ना करना, ठीक है। तो तब्दीलियाँ मैं आपको बताऊंगा आपके लिए ताकि आपको पता चल सके कि जो नई बाइक है उसकी में क्या क्या चेंजिंग्स हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चेंजिंग्स के। तो सबसे पहले आ जाते हैं, दो हमारे पास पार्ट्स हैं, एक फ्रेम और एक इंजन। सीडी 70 की तरह इसमें भी कुछ चेंजिंग्स फ्रेम में की गई हैं, कुछ चेंजिंग्स इंजन में की गई हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेम की चेंजिंग्स के से, जो फ्रेम की जो तब्दीलियाँ हैं जो होंडा क्लेम करता है वो फ्रेम है। इन्होंने 18 डिज़ाइन पॉइंट्स जो चेंज पॉइंट्स हैं, डिज़ाइन चेंज पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं और इन्होंने एक बाकायदा एक चार्ट दिया है, चार्ट से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आप काइंडली काउंट करते जाएं, बेशक पूरी 18 में आपको जो तब्दीलियाँ हैं वो मैं गिनवा दूँगा। और इसके बाद हम आएँगे इंजन की तरफ। तो अगर बात करें हम बॉडी की, तो इसके जो बॉडी है, इसके मतलब जो फ्रेम है, सॉरी, फ्रेम के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है जी, हम आगे वाली तरफ से बाइक से स्टार्ट करते हैं, एम्बलम फ्यूल टैंक, जो फ्यूल टैंक का एम्बलम है उसको चेंज कर दिया गया। अब जो होंडा सिटी 70 का जो एम्बलम था
वो तो ठीक है, मानने में आता है कि उसको चेंज किया गया था। चेंज क्या किया गया था, पहले सी डी 70 का जो एम्बलम था उसके अंदर हमें पेज देखने को मिलता था, स्क्रू देखने को मिलता था, लेकिन लास्ट जो होना सी डी 70 2022 में उसके अंदर स्क्रू रिमूव करके उन्होंने थोड़ा सा एहसान करके थोड़ी सी और डबल डेप अपनी खर्च करके तो उसको वैसे चिपका दिया था। डबल डेप जोन्स भी ऐसे भी यूज़ करते उन्होंने उसका यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद इसमें पता नहीं अब क्या एम्बलम में चेंजिंग की गई है, वो देख के पता लगेगा, तो देख के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कंप्लीट वॉकराउंड वीडियो। और अगर वॉकराउंड वीडियो लेट हुई तो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, तो किसी वक्त वीडियो अपलोड हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, बेल आइकन के बाद आने वाले तीन ऑप्शन में से ऑल को भी क्लिक कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी फ्रेम बॉडी कंपार्टमेंट। अब फ्रेम बॉडी कंपार्टमेंट जो है उसको भी चेंज किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जिसको या तो चेंज किया गया है या तो इम्प्रूव किया गया है, ठीक है, या हो सकता है कि कोई चीज़ें इस तरह की भी हैं जिसकी सेटिंग चेंज की गई हो, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाती है जी कवर फ्रंट फॉर्क। जो फ्रंट फॉर्क है ना उसका जो कवर है उसको भी या तो चेंज किया गया है या तो इम्प्रूव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल उसका जो पेंट क्वालिटी इम्प्रूव की गई होगी या फिर थोड़ा बहुत ऐसे से ऐसे कर दिया होगा, लेकिन जो होंडा क्लेम करे वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो रिप फ्रंट फॉर्क है, रिप फ्रंट फॉर्क में भी कोई ना कोई उन्होंने तब्दीली की है। वाल्व ऐसी जो है उसको भी चेंज किया गया है। उसके बाद होज ऐसी जो एएसवी है उसको भी चेंज किया गया है या इम्प्रूवमेंट की गई, मतलब उसमें तब्दीली की गई है, वो भी एक चेंजिंग पॉइंट है। उसके बाद कैस बॉटम आर एंड एल राइट एंड लेफ्ट, इसमें भी कोई हमें इम्प्रूवमेंट या चेंज देखने को मिला है, ये भी एक डिज़ाइन चेंज पॉइंट है। इसके अलावा पैडल गियर जो चेंजर है उसके अंदर भी हमें कोई ना कोई जो चेंज या कुछ देखने को मिला है, मतलब ये भी डिज़ाइन चेंज पॉइंट में आता है। इसके अलावा आ जाता है सेट इलस्ट फ्यूल टैंक, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ या तो चेंज देखने को मिला है या फिर इसको इम्प्रूव किया गया है, कोई ना कोई सीन है। आगे से आ जाता है जी हार्नेस वायर, कैस एसी एयर क्लीनर, एलिमेंट एयर सी ए एंड बी, इसमें भी कोई ना कोई हमें चेंजिंग्स देखने को मिली हैं। ये मैंने आपको चीज़ें हार्नेस वायर, कैस एसी एयर क्लीनर और एलिमेंट एयर सी ए एंड बी, ये मैंने कुछ तीन चीज़ें गिनवाई हैं। इसके बाद सीट ऐसे जो है उस डबल, पता नहीं सीट ऐसे को डबल किया है या फिर क्या, इसमें भी कोई ना कोई चेंजिंग इन्होंने की है। उसके बाद बॉल फ्लेंच जो है उसको 6x12 का कर दिया गया है, कोई इस तरह का कोई सीन है। इसके बाद आया था कवर साइड आर एंड एल, जो साइड कवर है उसमें भी कोई ना कोई तब्दीली की गई है। उसके बाद ट्रैप कंपार्टमेंट फ्लेम, इसमें भी कोई ना कोई चेंजिंग की गई है। कुशन ऐसे रेयर, इसमें भी, और इसके अलावा पैडल कंपार्टमेंट ब्रेक जो है इसमें भी कोई ना कोई चेंजिंग्स की गई हैं। अब आपने अगर काउंट किया तो पूरी 18 की 18 तब्दीलियाँ जो कि इसके फ्रेम में की गई हैं। अब इसमें या तो तब्दीलियाँ की गई हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या तो इसकी लोकेशन चेंज की गई होगी या तो इसका थोड़ा बहुत एंगल चेंज किया गया होगा, लेकिन ये होंडा ने जो डिज़ाइन चेंज पॉइंट्स हैं वो काउंट करवाए हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास 37 तब्दीलियाँ जो कि हैं इसके इंजन की। तो इसके इंजन के बारे में आपको बताता हूँ, जो इसके 37 डिज़ाइन चेंज पॉइंट्स हैं इंजन में वो आपको मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चेंज से। कार्बोरेटर ऐसे जो है उसको चेंज किया गया है या जो भी कुछ किया गया है, ये भी एक चेंजिंग पॉइंट है। सीट वाल्व स्प्रिंग, वाशर प्लान 12 mm, वाल्व इनलेट, सीट इनलेट वाल्व, पुश रॉड और क्रैंक शाफ्ट कंपार्टमेंट और नट लॉक 16 mm, क्रैंक कैस कॉम्प एल। इसके अलावा गैसकेट जो एल कवर है उसको भी किया गया है। इसके अलावा वाशर लॉक 16 mm और रिंग 18x3। इसके बाद शाफ्ट मेन ट्रांसमिशन, इसमें भी कोई ना कोई तब्दीली की गई है। बाल बेयरिंग 63x28 और इसके बाद बेयरिंग नीडल 15 mm की कर दी गई है, इसमें भी चेंजिंग की गई है। ड्रम गियर शिफ्ट, इसमें भी कोई ना कोई हमें इम्प्रूवमेंट या चेंजिंग देखने को मिली है। वाशर 6 mm और रिंग 35x3, इसमें भी कुछ ना कुछ किया गया है। ये मैं आपको जो कोशिश करूँगा ग्राफ में आपको मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, और अगर आप कोई मैकेनिक वगैरह तो आपको तब क्लियरली पता चल जाएगा। और इसके अलावा इसके बाद आता है हेड कंपार्टमेंट जो सिलेंडर है उसमें भी हमें चेंजिंग देखने को मिली है, जैसे कि जो होंडा सीडी 70 में भी देखने को मिली थी। इसके बाद क्लिप वाल्व गाइड, गाइड वाल्व, वाल्व एग्जॉस्ट, सीट एग्जॉस्ट, पिस्टन गियर, प्राइमरी ड्राइव, शाफ्ट कैम गियर में भी हमें चेंजिंग देखने को मिला है। इसके अलावा कैम शाफ्ट कंपार्टमेंट में भी, और इसके अलावा गियर टाइमिंग ड्राइव, गैसकेट ऑयल फिल्टर कैप, वाशर बी स्प्लाइन 20 mm, बाल बेयरिंग 63x28U। इसके अलावा क्रैंक कैस कंपार्टमेंट आर, प्लग बेयरिंग पुश गैसकेट आर, क्रैंक कैस कवर ओरिंग 9.4x2.4, गियर ऑयल पम्प ड्राइव, बॉल हेक्स 5x20।
अब ये चेंजिंग्स हैं जो कि पूरी की पूरी 37 चेंजिंग्स हैं जो इसके इंजन में, ओवरऑल इंजन में की गई हैं, इंजन और हेड को मिला के, हेड यूनिट को, सिलेंडर को, सब कुछ मिला के। तो ये जो सारी तब्दीलियां हैं इससे मिलके क्या होगा, ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो मेरी एक वीडियो होगी जिसमें आपको तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा, या फिर वॉक अराउंड में किसी भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो टोटल तब्दीलियां हैं इसका फ़ायदा क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर होंडा CD70 की बात करें, होंडा CD70 में जितनी भी तब्दीलियाँ हुई थी 101, उसमें चंद एक इम्प्रूवमेंट्स हुई थी, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताया था, उसकी सीट कंफर्टेबल हो गई थी मजीद होंडा के अकॉर्डिंग, वो थोड़ी रिलायबल हो गई थी, इसके जो फ्रंट बैक शॉक्स हैं वो इम्प्रूव कर दिए गए थे। इसके अलावा उसका जो इंजन है, इंजन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। इंजन में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, उसकी पिक बेहतर हो गई थी, इसके अलावा उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो गई थी, और उसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हीटअप जो है वो कम हुआ करेगी, मतलब ठंडी जल्दी हो जाए करेगी, इस तरह की चीज़ें उसके सिलेंडर की वजह से। और इसके अलावा फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। एम्बलम का जो थोड़ा बहुत उसकी पोजीशनिंग चेंज की गई थी, मतलब वो पेज की जगह, स्क्रीव की जगह उसको वैसे चिपका दिया गया था। टोटल 101 तब्दीलियों को मिला के ये तब्दीलियाँ बनती थी। अब इसकी जो 55 तब्दीलियाँ वो मिला के जो होंडा CG125 है उसके में परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं इसका वेट टेस्ट भी आपके लिए लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा मैं आपको बताऊँगा जो होंडा CG125 2022 मॉडल है इसका एक्चुअली वज़न कितना है, होंडा कितना क्लेम करती है कितना। और जैसा कि मैंने आपको होंडा CD70 का वेट टेस्ट करके दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा ख्याल है इधर या इधर वो आ रहा होगा लिंक, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं होंडा CD70 का जो वेट है, होंडा कितना क्लेम करता है और एक्चुअली था कितना, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो इसका मैं आपके लिए एक वेट टेस्ट रिव्यू ले आऊँगा। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं मेरा कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो देखना या वेट टेस्ट देखना, इस तरह की वीडियोस देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छी और जल्दी से जल्दी, मेन जो चीज़ होती है मेरी फोकस होता है अच्छे से अच्छी चीज़ पर, उसके बाद मेरा फोकस होता है कि जल्दी से जल्दी, अगर अच्छे से अच्छी चीज़ मेरी कोई बन जाती है और फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा दूँ मैं उसको। ऐसा नहीं होता कि मैं जल्दी से जल्दी कोई एवं कोई चीज़ अपलोड कर दूँ, ठीक है ना, कोई अच्छी चीज़। तो खैर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, होंडा का गुस्सा होंडा पर निकालिएगा। तो चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर नहीं हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।